जी नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। आप सभी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है बहुत अहम है, क्योंकि नेशनल क्राइम की जो रिपोर्ट आई है NCRB की, वो उस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। 2019 में 2020 में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, और 2021 में केवल एक मामला दर्ज किया गया, और 22 में अब तक कोई मामला सांप्रदायिक हिंसा का नहीं आया। जिसके चलते NCRB की रिपोर्ट ये बोलती है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है, लगभग यहाँ पर दंगा मुक्त है। और साथ ही साथ अगर अपराधों की बात करें तो महिला अपराध में भी लगभग 6% की कमी आई है, और अगर बाल अपराधों की बात करें उसमें भी लगभग 11% की कमी आई है। और साथ ही साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े महिला अपराधों में लगभग 60,000 थे वो अब 56,000 पर आ गए हैं, बाल अपराधों की बात करें लगभग 19,000 के मामले थे वो अब 16,000 पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गिरावट है वो लगातार जारी है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े NCRB के हैं, और NCRB समय समय पर साल दर साल अपनी इस तरह की रिपोर्ट पेश करती रहती है। अगर सांप्रदायिक हिंसा की बात करें तो देश भर में 21 में 378 मामले दर्ज किए गए, और इन 378 मामलों में यूपी में केवल केवल एक मामला, तो यहाँ पर बड़ी उपलब्धि योगी सरकार के लिए। और साथ ही साथ अगर हम इन मामलों पर गहन मंथन करेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो सक्रियता या जो मजबूती और जो जब से शक्ति बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में गिरावट का महत्वपूर्ण कारण है। पर इस बीच एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आंकड़े गिर रहे हैं तो गिरावट थोड़ी और अगर बेहतर होगी तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि हम बेहतर लक्ष्य की तरफ हैं, क्योंकि महज 11% गिरावट होना, महज 6% गिरावट होना, ये कम नहीं, ये ठीक है, संतोषजनक है, पर उपलब्धि मान सकते हैं। पर अगर बड़ी उपलब्धि कब मानी जाएगी, जब ये अपराध का जो आंकड़े हैं ये और गिरावट की तरफ जाएंगे। साइबर क्राइम में 22% की गिरावट हुई, यानी 19 का आंकड़ा लेंगे तो लगभग 12 से 13 हज़ार के लगभग केस थे साइबर क्राइम के, और अगर हम 21 का आंकड़ा लेते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 8,000 के लगभग आता है, लगभग 22% की यहाँ पर गिरावट हुई है। और शायद अगर ये आंकड़े महिला अपराधों बाल अपराधों में भी आते तो शायद कुछ बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। मामला बड़ा गंभीर है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ उपलब्धि मान सकते हैं और प्रयास की जो सफलता है वो मान सकते हैं, पर यहाँ पर अगर बेहतर परिणाम हमको और चाहिए तो कुछ व्यवस्था और मजबूत करनी होगी, जिस तरह से आने वाले समय में जो बाल अपराध हैं, जो महिला अपराध हैं, जो पास्को एक्ट टाइप के अपराध हैं, उन पर भी कुछ लगाम लगाई सके और इनकी भी गिरावट ज़्यादा से रखी सके, इनके आंकड़ों में गिरावट महसूस हो। खैर, आंकड़े NCRB हमेशा से जारी करता रहता है, पर यहाँ पर आंकड़ों की उपलब्धि जो बता रही है, सबसे बड़ा देश का आबादी वाला राज्य, 24 करोड़ के लगभग आबादी, और वहाँ पर एक भी सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं फिलहाल 22 में आया है, 21 का एक मामला है, और उसके मुताबिक यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है। और चर्चा का विषय है, कुछ बयान सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। NCRB के माध्यम से आ रहे हैं, वह आंकड़े अपने आप में यह संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में भी जो सुधार दिखाई दे रहा है वो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आम आदमी निर्भीक महसूस कर रहा है। आज अगर कोई डरा है यूपी के अंदर तो अपराधी डरा है, भूमाफिया डरा है, खनन माफिया डरा है, नकल माफिया डरा है, शराब माफिया डरा है। तो जो माफिया है उसको डरना चाहिए, जो आम जनता है उसको निडर होकर के अपने जीवन को जीने का अधिकार है, सुरक्षित जीवन, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्योगपति हों, हर वर्ग को उत्तर प्रदेश हर प्रकार से सुरक्षित लगे, यही सुशासन, यही राम राज्य का वादा करके हम लोग आए थे, यही हम लोग कर रहे हैं। झूठ बोल रही है, और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, NCRB का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है, 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय
इस तरह की घटना और सूचना कहीं मिलनी तो उत्तर प्रदेश में है, और महिला आयोग जो है उसमें भी सबसे ज़्यादा शिकायतें देश में अगर कहीं पहुंची हैं तो वो उत्तर प्रदेश की शिकायतें पहुंची हैं महिला आयोग। एनसीआरबी के आंकड़े तो आज आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अलग अलग पार्टियों के बयान है, अखिलेशों का अलग कहना है, उनका कहना है कि अगर गिरावट हुई है पर देश में अगर महिला अपराधों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ा है, चर्चा का विषय है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं महिला अपराधों में गिरावट की, हम बात करते हैं बाल अपराधों में गिरावट की, हम यहाँ बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, हम यहाँ बात करते हैं हिंसा की, हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक व्यवस्था है हमारे देश की शासन की उस व्यवस्था की। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराध हैं वो होते क्यों हैं, और जो अपराध के आंकड़े आते हैं वो अपराध के आंकड़े हैं जहां पर केस रजिस्टर्ड होते हैं, पर तमाम ऐसे केस होते हैं जिन पर केवल के प्रश्नपत्र ही जाता है, लोग रजिस्टर तक नहीं हो पाते हैं। बातें जरूर होती हैं कि मामला ये है और ये है, और जो प्रक्रिया है न्यायिक वो चलती रहती है, परिणाम कुछ निकल नहीं पाता। तो कुछ के आंकड़े ऐसे होते हैं कि केवल प्रार्थनापत्र होता है वो आपसी समझौता हो जाते हैं, तो कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं। हालांकि सरकार ने जो बेहतर काम किया है उसकी नज़ीर दिख रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट इस साफ पर बताती है। इस डिबेट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं, आपको अपने जो मेहमानों से रूबरू करा दूँ। मीसम जारी हमारी पार्टी से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, देशबंधु रिचिरी जी भाजपा से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, दयाराम भार्गव सुभाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीति विशेषज्ञ के रूप में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो हमारा सवाल रहेगा और नेता भाजपा देशबंधु रिचिरी जी से रहेगा, रिचिरी जी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और क्या मानते हैं, किस तरह के आंकड़े दिए गए हैं, सरकार को उपलब्धि बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि यूपी अब दंगा मुक्त हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, निसंदेह गौरव जी, जी एनसीआरबी के आंकड़े आने से पहले भी अभी हमारे देखिए आपने टीवी में राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बोल ही रहे थे जी। कि 2022 में 37 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार पुनः फिर जीत कर आई है जी। तो जनता जनार्दन ने तो आशीर्वाद दे ही दे दिया है। और आप देख लें पिछले 6 वर्षों में जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार अपनाई है जी। तो आप उसकी तुलना चाहे मुलायम सरकार से कर लें, चाहे मायावती जी से कर लें, चाहे श्री अखिलेश जी की सरकार से कर लें, तीनों सरकार से बहुत अच्छी सरकार हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चलाई। और आज भू माफिया हो, चाहे दंगा माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, सभी माफिया डर के मारे या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या वो जेल के अंदर हैं। तो निसंदेह ये एनसीआरबी के बहुत सुखद है। और देखिए उत्तर प्रदेश तो अब तो उत्तम प्रदेश की ओर चला गया, या दंगा और चोर बदमाशों की ये जगह नहीं है। आप अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, अब ये उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन चुका है। यहाँ दंगा और चोरी चकारी का कोई नामो निशान नहीं है, और हम प्रगति के पथ पे सबके साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ मीसम जरी सभा से जुड़ चुके हैं। मीसम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मीसम जरी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, मीसम भाई को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा ग्रुप में दयाराम भार्गव जी मौजूद है। दयाराम भाई आंकड़े आपने देखे, किस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं और यहाँ पर सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूपी में सरकार अब दंगा मुक्त हो चुकी है, यूपी सरकार यूपी दंगा मुक्त हो चुका है, एक भी दंगा 2022 में नहीं हुआ, 21 में केवल एक दंगा हुआ है और कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, देश भर में 378 मामले और यूपी में केवल एक मामला, वही पिछले साल 19 में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं, 20 में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं, 21 में केवल एक मामला, यूपी अब दंगा मुक्त, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव भाई, मैं इस बात को कहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में एक काम तो हुआ है, जो उगाही का काम होता था गुंडा राज, टैक्स राज, अच्छा
उसमें कमी है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो जमीन की कब्जा हुआ करता था उसमें भी कमी आई है, और महिलाओं के प्रति जो जिस तरह की कार्रवाई बताई जा रही है उसको मैं नहीं मानता। आज भी महिलाओं के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उस पर योगी जी को थोड़ा और कड़ाई से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की बातें हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, अच्छा इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी समाज तब सशक्त होता है गौरव भाई जब वो शिक्षित होता है, और शिक्षित अगर होगा तो जाहिर सी बात है शिक्षा अगर शिक्षा ग्रहण कर रखा है तो वो शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज में जाकर के अपनी उपलब्धि बताएगा और उस समाज को गाइड करेगा कि देखिए शिक्षा से क्या हासिल हुआ, शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज बेरोजगारी भी है उस पर भी काम करना पड़ेगा, और महंगाई खासकर देखिए गौरव भाई, महंगाई खासकर इसमें सरकार को चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की बात हो, लेकिन इसमें सब पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं। मैं ये मानता हूँ कि पिछली से पिछली सरकारों में जो था जिस तरह का भूमाफिया गुंडा राज या उगाही का काम होता था वो कम हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूँ गौरव भाई। अच्छा ठीक है भाई, नीशम जी सपा से जुड़ चुके हैं। नीशम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताई गई, कहा गया है उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है। 21 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा, 19 में कोई हिंसा नहीं, 20 में कोई हिंसा नहीं, और यूपी दंगा मुक्त है और लगातार अपराधों में कमी आ रही है। आपका क्या पक्ष रहेगा? बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए कि दंगा मुक्त हो गया है और बहुत बहुत बधाई सरकार को। मगर इस रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन को मैं इसलिए नहीं मान सकता हूँ, मुझे संदेह होता है। अच्छा। कि इस टाइम पर कोरोना में महामारी के टाइम पर ICMR और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े सर्वे जिस तरह से अवार्ड से नवाज रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को, और लाशें बह रही थी, लाशों को ढाका जा रहा था जी। लाशों को ठेले के ऊपर धोया जा रहा था, ऑक्सीजन की जिस तरह से त्राहिमाम मचा था और लोग अपनी जाने गवा रहे थे जी। उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अवार्ड लेने में व्यस्त थी। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो इस तरह के जो फैब्रिकेटेड टाइप के अवार्ड्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, रिपोर्टें होती हैं, उनको उनको सेट करने में ही व्यस्त थी। तो लिहाजा मैं इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं मैं इस पर संशय जाहिर करता हूं, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से जिसने ये रिपोर्ट बनाई है एक बार वो इसके ऊपर अध्ययन करें और उत्तर प्रदेश में आकर के देखें अपनी आंखों से जिस तरह से महिलाओं के साथ, जिस तरह से बुजुर्गों के साथ, किस तरह से नौजवानों के साथ अपराध घट रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अभी रोजगार की बात है तो इन्होंने रोजगार के ऊपर भी कहा कि मैंने लाखों नौकरियां बांट दी है, तो जमीन पर धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। और ये जनता को कहीं ना कहीं छलने का काम है, उनकी भावनाओं को ठगने का काम है। जिस तरह से जनता ने विश्वास करके सरकार को चुना और जिस तरह से सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिए आकर के अपना अवार्ड लिया, और आप जब धरातल पर उतरिए तो ये वर्षा ऋतु का मौसम है, हर जगह गड्ढे नजर आते हैं, जल भराव नजर आता है, लोगों की नैया डूबती नजर आती है, तो उस टाइम पर ये अवार्ड कहीं ना कहीं बेमानी हो जाते हैं। मीसम भाई पर यहाँ पर लगता है, मीसम भाई पर दंगा मुक्त बोला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे भाई? क्यों नहीं, इससे पहले आप देखिए कि दंगे हुए जिस तरह से आपने देखा कि आपने दंगों के ऊपर कार्रवाई करी, लोगों के मकान गिराए, बिल्डोजर चले, तो ये दंगे तो हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं आप ही करा करके आप ही उसको रोकने का काम कर रहे हैं। जो दंगा कराने वाले हैं वही कोतवाल बने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से प्लांट है, फैब्रिकेटेड है, अपने माफियाओं को आरक्षण देना, अपने माफियाओं को हर तरह से आर्थिक और भौतिक मदद प्रदान करना जी। और इस तरह से देश भावना का शिकार होकर के दूसरे जाति प्रथा से आए हुए दूसरे जिसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर नाम देना उचित नहीं होगा किसी का, कि जो देश भावना से जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से अपराधियों के ऊपर
लगाम कसने का और लगाम को ढील देने का कार्य किया जा रहा है, ये जनता के सामने है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ रहे हैं क्योंकि आप ही के माध्यम से जनता तक और हम लोगों तक सारी खबर पहुंचती है, किस तरह से खबर को फैब्रिकेटेड किया जाता है, इसमें किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। बाकी मेहमानों को लेते फिर जवाब लेंगे देशबंधु भाई से। प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई, रिपोर्ट आपके सामने है और सब कुछ साफ है। उत्तर प्रदेश में 21 में कोई केवल एक हिंसा हुई, 19 में कोई हिंसा नहीं, 20 में कोई हिंसा नहीं और 22 में अब तक कोई हिंसा नहीं। यूपी दंगा मुक्त, सरकार की बड़ी उपलब्धि, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मियां मुंह मिट्ठू बन रही है और कोई मामला नहीं है। तमाम घटनाएं हैं, कानपुर की घटना, प्रयागराज की घटना, अंबेडकर नगर की घटना, बिजनौर की घटना, तमाम जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, तमाम तरह के उत्पात मचाया गया और निश्चित रूप से दंगा कैसे होगा? जो दंगाई है वो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, बलबा करने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तो हैं जो नफरत फैलाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आज तो वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो दंगा करें या ना करें सब कुछ इनके हाथ में है, चाहे दंगा करें चाहे दंगा रोकें। अच्छा। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें कि अपराध कम हो गया, महिला अपराध, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं उनको इस बात की महारत हासिल है कि आंकड़ों के साथ कैसे बाजीगरी की जाती है। आंकड़ों की बाजीगरी के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना ही इनकी जो चाटुकार संस्थाएं हैं उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं, कुल मिलाकर आंकड़ों से आप कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाएंगे तो बहुत गलत होगा। क्या घट रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, वो आप अगर कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाना है तो धरातल पर उतरना पड़ेगा। धरातल की सच्चाई यह है कि अगर आप ललितपुर जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि एक गैंगरेप पीड़िता बालिका जब अपने इंसाफ पाने के लिए थाने में जाती है तो वहां का जो इंस्पेक्टर है वो उसके साथ बलात्कार करता है। सच्चाई ये है कि जब एक कन्नौज में 17 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप होता है और उसकी माँ इंसाफ पाने के लिए पुलिस लाइन जाती है तो वहां का इंस्पेक्टर उसके साथ बलात्कार करता है। सच्चाई यह है कि चंदौली में पुलिस वाले घर में घुसकर एक 24 वर्षीय महिला की हत्या कर देते हैं। सच्चाई यह है कि यही मलिहाबाद है आपके लखनऊ के राजधानी के बिल्कुल बगल में, वहां पर शिवम नाम का एक लड़का जो दलित समाज से आता है, मामूली जमीनी विवाद में उसको बम लगाकर उड़ा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सच्चाई कानून व्यवस्था की यह है। गौरव भाई कि आप अलीगढ़ चले जाएं तो 70 रुपए की लेन देन को लेकर, सिर्फ 70 रुपए की लेन देन को लेकर जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो एक मजदूर की हत्या कर देते हैं। तो ये पूरा जो मामला है, सच्चाई यहाँ की कानून व्यवस्था की ये है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। हत्या कौन करवाता है? SP जो 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है, रंगदारी ना देने पर और इस मामले को उजागर करने पर इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। हत्या हुए मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए होंगे, आज तक SP नहीं पकड़ा गया। आप दूसरे अपराधियों की तो बात हटा दीजिए, तो बड़े बड़े अपराधियों की बात कर रहे थे, वो SP जिसने हत्या करवाई वो योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में नहीं आया, इनके कानून के हाथों में नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि थानों में बलात्कार हो रहा है, पुलिस वाले घर में घुस के जो है निर्दोषों को मार दे रहे हैं, रेप पीड़िता जो है पुलिस वालों को मारे। आप सोचिए अभी एक घटना सामने आई कि रेप पीड़िता ने तंग आकर दरोगा जी को जूतों से मारा, कब मारा होगा आप खुद बताइए। आंकड़ों के लिए बस यही दलील मैं देना चाहूंगा जो आंकड़े ये पेश कर रहे हैं। आखिर एक पीड़िता जो है अपने हाथ में जूता कब उठा लेगी? जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी, जब उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी, जब उसकी सुनी नहीं जाएगी, तो एक मजबूर पीड़िता जो है अपने हाथ में जूता उठा लेगी। यह हालत उत्तर प्रदेश की है और बात बड़ी बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि ये लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश जंगल राज है और मैं तो कहता हूं जंगल राज जो शब्द है यह भी कम पड़ेगा, जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। यहां तो जंगल से बदतर हालत है उत्तर प्रदेश की और वाह वाह करने के लिए ठीक है, आंकड़ों का खेल खेलते रहिए। आंकड़ों का खेल आपने बहुत बढ़िया खेला है, हर जगह आप आंकड़ेबाजी करने का काम कर रहे हैं, यहां भी आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। तो आंकड़ेबाजी के मामले में पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जीत सकता है, बाकी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं देशबंधु भाई से, हमारे गजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद है। गजेंद्र भाई, पूरी बातें सुनी, आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पर? देखिए,
हम और आप स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने जिले में ही कोई आकलन कर सकते हैं जी। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पे आती है तो एक पूरी एजेंसी काम करती है, सिस्टमेटिक डिजाइन है पूरा देश जी। और उसके अनुसार डेटा समाज के सामने लाया जाता है जी। राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार इसको एलबोरेट करते हैं और वो सुनने में अच्छा तो लगता है। हकीकत यह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को जी अपनी गाड़ी में हथियार लेके चलना बैन हो गया, माने हथियार मिला तो सीधा अंदर, तो जब हथियार नहीं रहेगा तो अपराध नहीं होगा ठीक। और इसमें बहुत जो आज आपको देखने को मिला है कमी जी, ये कमी ठीक है, सरकार ने अच्छा कार्य किया तो ये आपका रिजल्ट रहा, लेकिन इससे अभी भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। अभी सरकार को बहुत कुछ करना है जी। अगर सरकार बहुत कुछ नहीं करती है तो इसपे पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर से जी आम आदमी पार्टी ने जो जिन जिन घटनाओं का जिक्र किया, ये घटनाएं समाज के सामने हैं जी, और इसको सरकार भी देख रही है। थाने में बलात्कार हो रहे हैं, थाने में हत्याएं हो रही हैं, रोड पे बवाल हो रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त अगर करना है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पूरे प्रदेश को आप शिक्षित करें। जब लोग शिक्षित होंगे तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था को समझेंगे। ये घटनाएं क्यों होती है, मैक्सिमम लोग यही नहीं जानते कि इसके बाद क्या होगा। जो जानता है वो हथियार उठाने से पहले 10 बार सोचता है। भाई आप मानते हैं कि जो रिपोर्ट आई वो गलत है? कोई इसमें मैं क्या कह रहा हूं जी, रिपोर्ट हम और आप या कोई भी बुद्धिजीवी जो यहाँ पर बैठा है वो अपने अपने जिले में है जी, ब्लॉक में लोग हैं जी, हम भी अपने जिले में है लखनऊ में जी, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एजेंसी है, पूरे देश का आकलन होता है, राज्य का आकलन होता है, उसके बाद से रिपोर्ट आती है जी। तो रिपोर्ट पे प्रश्न चिन्ह तो कभी भी उठाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए डेटा आप भी जानते हैं कि डेटा में बदलाव होता है, लेकिन थाने में कितने लोगों का FIR दर्ज होता है तो आपको बता भी, जो महिला अपराध है, जो बाल अपराध है, वो जो उसकी रिपोर्ट है वो है तो है, पर उसमें जो गिरावट है वो संतोषजनक नहीं है। वो संतोषजनक नहीं है इसलिए नहीं है कि थाने में आज भी 100% जो कंप्लेन होती है उस पर FIR दर्ज नहीं होता है जी, वह संख्या मैक्सिमम होती है 50% जी। तो ऐसी गिरावट पर पीठ थपथपाना बंद करें। चलिए जवाब लेते देशबंधु भाई, पूरी बात सुनी मीसम भाई की, धर्म भाई भार्गव की, इमरान भाई की और गजेंद्र त्रिपाठी जी की, क्या जवाब है आपका? इनका कहना संतोषजनक नहीं है, केवल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। इमरान भाई बोल रहे हैं मामले देखिए, क्या जवाब है आपका? देखिए गौरव भाई, मैंने सभी की बात ध्यान सुना और मैं चाहूंगा सभी लोग मेरी ध्यान। देखिए सबसे पहली बात, जो NCRB के आंकड़े आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अगर आपको किसी संस्था के सर्वेक्षण और किसी रिपोर्ट पर आपको संदेह है तो ये आपकी सोच है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में हजारों दंगे होते थे, पिछली सरकारों, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यही उत्तर प्रदेश था, केवल दंगों के लिए जाना जाता था। जब भी हम बात करते थे किसी जिले राज्य की तब दंगे की बात करते हैं जी। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के योगी, अभी तक हमारे समाजवादी मित्र ने बार बार कहा बुलडोजर चला। आप ये बताइए किसी भी शरीफ व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर जहां भी चला, उनका इतिहास और भूगोल आप उठा कर दे सकते हैं कि वो गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर और जो लोग भूमाफिया थे उनके ऊपर चला गया। और दूसरी बात, जो आंकड़ों के ऊपर संदेह करना या कह देना सरकार इन आंकड़ों को लेकर जो है बहुत आन बान शान से कसीदे पढ़ रही, तो ऐसा नहीं है। हमने जितनी चुनौतियां मिली थी, हमें जब से सरकार संभाई तब से चुनौतियों को एक एक करके हमने उनका निदान ही किया और
उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ही आगे बढ़ते। और आपको यह भी मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जो समाज विभिन्न वर्गों में बटा था, चाहे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, आर्थिकवाद, इस बात में इन लोगों ने बांट कर रखा था जी। आपको बता दें, जब भी कोई बात होती थी, जात धर्म के नाम पे दंगे भड़काना, यही समाजवादी पार्टी थी जी। आप बताइए, मुजफ्फरनगर में हजारों दंगे हुए, लेकिन मिसम जैदी ने उस चीज की चर्चा नहीं की। लेकिन आज 6 वर्ष में कहीं भी आप एक दंगा बता दीजिए। मैंने आपको कहा ना कि जो भी गलत काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितनों भी उच्च पदस्थ हो, चाहे कितनों भी बड़े पद पर बैठा हो। और दूसरी बात गौरव जी, आपको बता दूं, ये सांकड़े और जनता का 2022 में चुनाव का परिणाम इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार सही पद पर चल रही है और सही रास्ते पर चल रही है। वरना जनता जनार्दन 2022 में इतने प्रचंड बहुमत से पुनः हमें अपना आशीर्वाद देके पुनः प्रतिस्थापित करके उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के लिए कटिबद्ध न करती। और रही बात, हम मानते हैं कि चुनौतियां हैं गौरव जी, लेकिन उन चुनौतियों से सक्षम है। आज आप देख लीजिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं की सुरक्षा की बात हो, हमारी हमारी से हमारी पुलिस, हमारे अर्धसैनिक बल पूर्ण तत्परता से लगे हैं। आप अभी उन्होंने बात कर रहे हैं कोरोना महामारी, ललितपुर के अंदर थाने में बलात्कार हो रहा है, कन्नौज में हो रहा है, महामारी थी अचानक हो रहा है, ये लोग कमरों में बैठ के ट्विटर खेल रहे थे, इन सारी घटनाओं से आपने आंख बंद कर ली है। और आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर एक एक जनता की मदद करने के लिए तत्पर था, तब न इनके कहीं आदमी नजर आते थे और न समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चला जाता। देखिए, प्रश्न पूछना बहुत आसान है, आरोप लगाना अच्छा है, आलोचना करना बहुत अच्छी बात होती है गौरव पाल, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। केवल कमरों में बैठ के आलोचना करेंगे तो जनता आपको वही मुंह तोड़ जवाब देगी जो दी है। और आप देखिए, जनता ने हमेशा हमें आशीर्वाद देकर इस बात को पुख्ता प्रमाण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति दोनों स्पष्ट है कि हम जनता के साथ हमेशा हर सुख दुख में जुड़े हुए हैं, चाहे संसद का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, लेकिन इनकी सरकारें कहीं नजर नहीं आती। अरे आज भी आप देख लीजिए, जनता से जुड़े हुए मामलों में चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, आपको कहीं नजर आता है गौरव भाई तो बता दीजिए। अगर संसद की बात हो तब भी नहीं ये नजर आते हैं, न सड़क की बात हो तब भी नहीं नजर आते हैं, कमरों में ट्वीट खेलते हैं, शाम को चैनलों पर आरोप मार देते हैं और कह देते हैं दंगा मुक्त है, हम चौड़े हो रहे हैं। अरे आप बताइए, जनता जनार्दन ने 37 वर्षों बाद पुनः हमें आशीर्वाद देकर हमें ये, और एनसीआरबी के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नहीं बनते मान्यवर। और अगर आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीति नीति पर भरोसा नहीं है तो यह आपके विवेक की बात है, विवेक शून्यता का परिचय देता है। और रही बात, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आज देखिए कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, ये एक नहीं। गौरव जी, आप अगर इस बात की सत्यता जानना चाहते हैं तो आप अभी भी प्रतिष्ठित चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, आप अभी भी उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय पे फोन करिए, त्वरित कार्रवाई होती है और तुरंत मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज और अच्छे से अच्छी सुविधा दे देता हूं भाई, उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। अपनी भाई कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी भी पीड़ा है, उसको भी आप यहीं से दूर करवा दीजिए। कितनी अभी मैं सारी बातें एक अपना पर्सनल अनुभव भी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो बहुत सारी बातें इन्होंने किया, स्वास्थ्य पे कर लिया, शिक्षा पे कर लिया। स्वास्थ्य का मामला तो ये है कि श्रावस्ती चले जाइए तो वहां पर इनका वार्ड बॉय जो है वो इंजेक्शन लगाता है, आप गोंडा चले आइए तो पता चलता है कि स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, गोंडा में इलाज पाने के लिए एक बूढ़ी औरत अस्पताल के गेट पर स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से, समय पर इलाज ना मिलने की वजह से दम तोड़ देती है। ये आज और कल की खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है जी। आप देखते हैं कि पोस्टमार्टम कराने के बाद 2 साल के बच्चे को बाप और उसका भाई अपने हाथ में लेकर जाता है घर तक, एम्बुलेंस की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाती है और इनको शर्म नहीं आती यहाँ पर ज्ञान बांटते हुए। दूसरी बात, इन्होंने अभी मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने वाले लोग कौन थे? संगीत सोम को भूल गए आप?
जी संजीव बालियान को भूल गए आप, सुरेश राणा को भूल गए आप, इन लोगों के ऊपर उस समय जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम आपने किया है दीक्षित साहब, आपने दंगाइयों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का काम किया है। तो दंगाइयों के लिए आपके सर्टिफिकेशन की या समाजवादी भारतीय कांग्रेस पार्टी या सुभाष विपक्षी दल के सर्टिफिकेशन की हमको जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन हमको विभिन्न प्रकार के चुनाव में आशीर्वाद देकर इस बात का प्रमाण दे चुकी है कि हम अपने पद पर सही है और हम अपने पद पर सही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रगति पद पर चल चुका है। केवल आलोचना करना और व्यक्ति आरोप लगाना ये बहुत आसान बात होती है और आपको ये करने में बहुत मजा आता है। देखिए अब आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है तो आप चले आते हैं और विभिन्न प्रकार का चौका लेकर देते हैं। ये सुनना भी सीखिए, वैसा हो गया सुनना भी सीखिए। 25 करोड़ की जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की और ये जनता आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ जुड़ी है, उनके सुखदर्दों के जुड़ी है और हमारी सरकार सबके लिए करती है, चाहे युवा हो चाहे रोजगार हो चाहे किसान हो चाहे महिला हो। केवल आपके आरोप लगाने से आपके आपके सर्टिफिकेशन को अंतिम प्रमाण पत्र नहीं मानती, आपको तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आपको किसी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, आपको किसी संस्था पर नहीं भरोसा रहा, यही आपकी वजह है। और आपको बता दे जैसी दृष्टि होती है वैसी दृष्टि नजर आती है, तो आपकी दृष्टि में सब गलत है तो उसको मैं सही नहीं कर सकता हूँ। आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कि हमारा साथ और हमारा विकास समझदार है, परेशान ना होइए, जवाब दे रही है जल्दी। गुजरात की जनता भी समझदार हो रही है, परेशान ना होइए। अब सुन लीजिए हमारी बात। नहीं बिल्कुल समझदार हो रही है, वो आपको अभी 2024 के परिणाम आएंगे। चैनल पर मैं बैठूंगा और जनता जनार्दन फिर हमें प्रचंड बहुमत से फिर एक बार पुनः चुनेगी और फिर आप हताशा निराशा में आके यही देंगे। हिंदुस्तान की जनता जो है गलत सरकार चुन ली है। देशबंधु भाई बात सुन लीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों को भी लेना है। इन्होंने एनसीआरबी की बात करी, समय आएगा आपके जी। इन्होंने गौरव भाई एनसीआरबी की बात करी कि एनसीआरबी जो है वो स्वतंत्र संस्था है। एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, एनसीआरबी हो या कोई भी स्वतंत्र विश्वास नहीं करते। और सबसे बड़ी बात बता दूं, केवल आप लोग की मानसिक विचिपता है, आकर चैनलों पे आकर केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कहीं भी संसद से लेकर सड़क तक किसी भी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता मुझे कभी नजर नहीं आता। और आप आपको जनता के सपनों आप लोग मोदी जी सो नहीं पाते हैं, अमित शाह जी सो नहीं पाते हैं संजय सिंह के खौफ से। चलिए ठीक है, आप हमारा एक सांसद आपकी पूरी पूरी सरकार पे भारी है, कैसी बात कर रहे हैं। मिश्रा भाई, देशबंधु भाई की पूरी बात सुनिए आपने, मिश्रा भाई जवाब दीजिए। हाँ मैं तो देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो अवार्ड है, धन बल की पार्टी है ये जी, ये खरीद करके सब ले लेते हैं अवार्ड। इनके पास तमाम उद्योगपतियों की सरकार है ये, ठीक है। और इस तरह के अवार्ड ले लीजिए इलेक्शन में, इसको बता देंगे अवार्ड मिलना चाहिए। क्या सर्वे की रिपोर्ट है जो जवाब ले लीजिए, फिर जी हाँ, जो जनता की रिपोर्ट होगी ना गौरव भाई, जनता का सर्वे होगा जी, वो सर्वोपरि है, वो मान्य होता है। कोई रिपोर्ट हम नहीं मानते हैं जब तक जनता की रिपोर्ट जनता की अदालत फैसला ना करे। इस तरह के रिपोर्टें, इस तरह की जांचें, एजेंसियां सब खरीद के बिक जाती हैं। ये धन्ना सेठों की पार्टी है जी। और रही बात ये कि ये समय आने पर जो जनता को जिस तरह से इन्होंने छलने का काम किया है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जनता इस तरह से भली बात की समझ रही है। और जिस तरह के हमारे प्रवक्ता भाई जिन्होंने ये जिक्र किया कि आप देखिए इससे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या होगी, कि आपने कहा था कि भाजपा मैदान में स्त्री के सम्मान में किस तरह से आपने महिलाओं के नारा देकर किया सरकार आज महिला और 17 साल की बेटी वो जनता के आज इनकी महिला नेता जो है बच्चों को खरीदने का कारोबार कर रही है, मानव तस्करी करने का काम कर रही है।
और आपके पास ये गलत सूचना कहाँ से आ गई भाई? कुछ भी आपको सूचनाएं मिलते रहती है, गिरफ्तार हुई है बच्चा चोरी के आरोप में, कैसी बात कर रहे हैं? छुपा लेके शाम को आते हैं टीवी चैनलों पर व्यर्थ की प्रसिद्धि पाने के लिए, आरोप प्रत्यारोप की एक नीति पर होते हैं और फिर शाम को घर चले जाते हैं। बच्चा चोरों की पार्टी है, सुरक्षित नहीं है, बच्चा चोरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मान ले लीजिए बच्चा चोरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मानव तस्करी करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दंगा करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बोला अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरे आप क्या बोलेंगे दीक्षित जी, मानव तस्करी करने का काम करते हैं, बच्चा चोरी करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बच्चा चोरी पार्टी बन गई है और यही आपकी सोच है। अरे भारतीय बच्चा चोरी पार्टी बन गए हैं आप भाई दीक्षित जी, जनता बच्चा चुराने का कारोबार कर रहे हैं आपके कर दे रही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय बच्चा चोरी पार्टी बन जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इसी प्रकार के आप व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तब आपकी भाषा वाली शब्दावली पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अरे भाई यही आप बच्चा चोरी का काम करेंगे तो बच्चा चोर नहीं कहे जाएंगे क्या? आपको तभी तो आपकी नेता बच्चा चोरी का कारोबार करे तब दिक्कत नहीं, और हम अगर उसको उजागर कर दे तो आपका मुंह शर्मिंदा लाल हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार दीक्षित जी थोड़ा दीक्षित जी बाकी साथियों को भी जवाब लेने दीजिए, आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। दीक्षित जी बच्चा चोरों की पार्टी है भाजपा, बाकी साथियों को बोलिए मिशन भाई अपनी बात पूरी करिए, मिशन भाई बच्चा चोरों की पार्टी है भाजपा, इमरान भाई स्कूल अस्पताल बनाने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, और बच्चा चोरी करने वाली पार्टी है भाजपा, मिशन भाई पूरी बात करिए अपनी जी, मिशन भाई बताइए खाली रहती है जी, भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ जी, बताइए बोलिए, जवाब दीजिए अपना पूरा जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से लोग बंधु जी जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं आज डिबेट में जी, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी ने इनको सम्मान से नवाजा है, अच्छा। और यहाँ पर बैठे हुए लोग जरा सा भी एक ताली बजाने का भी काम नहीं कर रहे, नहीं नहीं ऐसा है, गुस्सा जग जाहिर सी बात है कि परेशान हम नहीं है मिसम जैदी साहब, आप 2024 के परिणाम को लेके अभी मिसम जैदी साहब आप परेशान है, और गौरव भाई इस डिबेट को आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 2024 के चुनाव परिणाम के बाद इस डिबेट के साथ मैं फिर बैठूंगा और फिर मिसम जैदी जी यही आरोप रोकिए मत, इनको मिठाई खिला के भेजिएगा, इतने बड़े अवार्ड से नवाजे गए, हमें मिठाई खिलाने की मिठाई खाने की जरूरत आपको है, इनकी पार्टी के नेता बच्चा चोरी में पकड़े गए, ठीक है। धर्म मार्ग भाई अपनी बात पूरी करिए, देशबंधु भाई सभी लोग अपनी बारी बारी से बोले, धर्म भाई मैं काफी देर से सभी को सुन रहा था, किसी ने भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की बात नहीं की। आज उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि उसकी चिंता नहीं किसी को है, हमारे समाज के साथ ही कह रहे थे इनकी सरकार चार उत्तर प्रदेश में थी चार बार, आज उत्तर प्रदेश की जनता की बड़ी चिंता है, हमको ये बता दे जातियों का जनगणना इन्होंने क्यों नहीं कराया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया था जी? जिन जात के लोगों को थाने चौकी तहसील ब्लॉकों में आज तक नुमाइंदगी नहीं है, तभी उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? मैंने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, मैंने कहा शिक्षा रोजगार दवाई की होनी चाहिए बात, उसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ये मेरे कार्यकाल का है, ये तेरे कार्यकाल का है, मेरे तेरे कार्यकाल की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है उसकी चर्चा होना चाहिए, आज नौकरियां हमारे प्रदेश और देश से जाती नहीं उसकी चर्चा कौन करेगा, सशक्त विपक्ष आप नौकरियों की बात करिए ना भाई जी, आप शिक्षा की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, भाई अगले चरण में कहा है, और एक चीज मैं बताऊं जी, मेरी बात सुनिए जी बोलिए, देखिए गौरव भाई एक बात, ये बात सही है कि महिलाओं के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में अपराध है पहले से कम हुआ, लेकिन हम कम कह दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अपराध खत्म हो गया, ये गलत है।
स्वास्थ्य सुविधा गड़बड़ाई जो थी उसमें कुछ सुधार हुआ है, चलिए, लेकिन पूर्णतया सुधार नहीं हुआ है, उसमें काम करना पड़ेगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की जनता को, बार बार ये चिंता का विषय हो रहा है कि कोरोना काल से लेकर जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है उसमें भी बच्चे ने क्या काम किया जी? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जी? भाई कोविड काल में जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिला जी, क्या उनकी फीस माफ हुआ? प्राइवेट में स्कूल बंद था लेकिन फिर भी स्कूलों में जो है उनकी फीस गई, क्यों गई? तो ये सशक्त विपक्ष का काम है। जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में बात करते थे, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जितने लोग थे कोई भी उनका साथ नहीं देते थे। तो साथ, अगर आप साथ नहीं देंगे तो केवल टीवी में आकर के कहेंगे ये मेरे कार्यकाल का, ये तेरे कार्यकाल का। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में दंगा के मामले में चाहे पिछली सरकार रही आज भी रही हो जी। अगर हमारे समाजवादी साथी की बात कर रहे थे कि भाजपा की वजह से हो रहा है, तो समाजवादी सरकार में जब समाजवादी की सरकार थी तो उनकी सरकार में दंगा क्यों हो रहा था भाई? आज बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसने दंगा नहीं होने दिया तो समाजवादी के साथी बताए उनके कार्यकाल में क्यों दंगा होता था? ये आप कह के नहीं निकल सकते कि बीजेपी के लोग हैं। अरे भाई समाजवादी के नेता भी बीजेपी में आए, बीजेपी के नेता भी समाजवादी में गए, कांग्रेस के लोग इधर से उधर गए, सभी पार्टियों के नेता इधर से उधर होते, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को क्या मिला उसकी चर्चा कौन करेगा? हम अगर उनकी बात करते हैं, हम उनके लिए वोट मांगने की बात करते हैं, लेकिन उनकी चर्चा कौन करेगा? सड़क से सदन तक अगर हम उनकी बात नहीं कर सकते जी, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ बेमानी होगा। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में युवा जो है बेरोजगार घूम रहा, सशक्त विपक्ष होने के नाते आइए ना, बेरोजगारी के ऊपर रोड में बैठिए, महंगाई के ऊपर बैठिए, शिक्षा के ऊपर बैठिए, स्वास्थ्य के ऊपर बैठिए, क्यों नहीं बैठते? कमरे में बैठ करके केवल आप लबालब बात करेंगे वो शोभायमान नहीं होगा जी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह थे, आप देखते थे छोटी छोटी बातों के लिए वो रोड पे बैठ जाया करते थे। आज कहाँ है समाजवादी पार्टी में लोग? ठीक है, वो लोग कहाँ है? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ? बैठिए रोड पे, जवाब बताइए जनता को। जवाब लेता हूँ धर्म भाई, पर एक बात, अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जब वो सरकार दोबारा बनाएंगे तो वो जातिगत जनगणना वो जरूर कराएंगे, ऐसा उन्होंने एक बयान आज सुबह दिया। तो यही तो बातें हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात गौरव भाई देखिए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की चार सरकारें रही है। मैं जातियों का आंकड़ा गिना दूं, किन जातियों की नुमाइंदगी थाने चौकी में नहीं है, क्यों नहीं है? आप बताइए, पिछड़ी ओबीसी की जो 27% आरक्षण है उसमें 27% में 4-5 जातियों को छोड़ करके किसी थाने चौकी में और बाकी जातियों की नुमाइंदगी नहीं है, तो क्या यह सपा बसपा दोषी नहीं है? भाजपा है, भाजपा से हम लोग मांग कर रहे हैं, है। जो पिछड़ी बात पिछड़ी जात की 27% आरक्षण है उसमें 3 वर्गीकरण करके उनको दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। मिसम भाई पूरी बात सुनिए आपने, बड़ा नाराजगी है प्रवक्ता सुभाष पाटिल। मैं सुन रहा हूँ, इनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि इसको सम्मान नहीं मिला। मगर अगर ये बात दंगों की कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर सुबह सिंह की हत्या ये भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के आदमी ने किया और फिर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने उसको हार फूल पहनाया, तो क्या उस इंस्पेक्टर को ये देश की जो है वो संपत्ति और देश का नागरिक नहीं मानते हैं? क्या ये दंगे में आप इसको नहीं जोड़ेंगे? क्या इस तरह से आपने तमाम जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की अनर्गल बातें इनके नेताओं ने दुष्प्रचार फैलाया और धर्म विरोधी बातें करी और हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई इस तरह के दंगे इन्होंने कराए, लोगों को आहत किया, ये बवाल हुआ, ये दंगे में नहीं गिरेंगे? ये दंगे में क्या चाहते हैं कि जब तक लाशों पे लाशें न गिर जाए, जब तक के पूरा प्रदेश जो है वो लाशों से न पड़ जाए तब तक ये दंगा नहीं मांगते? अरे दंगा तो ये हर बार हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, हर तरह का दंगा किया जा रहा है, दबान से किया जा रहा है दंगा, हाथों से किया जा रहा है, हथियार से किया जा रहा है, हर तरह का दंगा, हर तरह का अपराध है। किसी महिला के साथ रेप कर देना भी अपराध है और वो दंगा है। दंगे का मतलब क्या है, ये मीनिंग समझाए ना कि दंगा और अपराध में क्या फर्क होता है। जब तक 150 आदमी एक साथ नहीं मर जाएंगे उसको दंगा नहीं मांगेंगे क्या? ठीक है, इस तरह से अपराध हो रहा है वो भी एक दंगे की श्रेणी में आता है भाई मान्यवर, इसको बताना चाहिए, ये भी एक दंगा है जी। ठीक है भाई, मैंने अपनी बात पूरी करी, द्वारा भाई को लेता हूँ। देखिए सबसे पहले दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा कि बीच में एकदम दीक्षित जी आप बोलने का मौका देंगे तो सुनने दीजिएगा। दीक्षित जी का ही एक सवाल था कि एनसीआरबी जो है पहली बात
वो इनकी संस्था नहीं है, जबकि एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और गृह मंत्रालय किस तरीके से अपने मातहत की एजेंसीज को अपने लठैत के तौर पे इस्तेमाल करता है ये किसी से छिपा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या इससे पहले की भी जो केंद्र की सरकारें रही हैं, उन्होंने सीबीआई को, ईडी को, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस को अपने लठैत के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो साफ साफ इस अभी भी दिख रहा है तमाम सारे मामला। तो एनसीआरबी कोई भी डेटा देगी तो निश्चित रूप से ऐसा डेटा देगी कि जिसमें इनको बहुत ज्यादा असहज ना होना पड़े, बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं बिल्कुल तर्क के साथ ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी समाज में, किसी भी समाज की स्थिति क्या है, वो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, किसी भी मामले में। आज अपराध की बात हो रही, हम अपराध को कंट्रोल्ड मानेंगे, अगर जो समाज का सबसे कमजोर तबका है अगर उसके साथ आपराधिक घटनाएं कम हो जाए, शून्य हो जाए, न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए, तो शायद मैं भी इस बात को मान लेता कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। लेकिन अजय मिश्रा टेनी जी, इनके गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, वो उन्होंने हाल ही में अभी लोकसभा में जो रिपोर्ट रखी है उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट उन्होंने रखी कि दलित समाज के साथ जो आपराधिक मामले हुए उस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। तो जब इस समाज के साथ सबसे ज्यादा अगर आपराधिक घटनाएं घटी हैं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। तो इससे साफ अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है कानून व्यवस्था की, क्या हालत है अपराध की। इसीलिए बार बार आंकड़ों के साथ मैं बात कर रहा हूं। अभी जो मलिहाबाद की घटना का जिक्र मैंने किया था वो दलित समाज के युवक के साथ ऐसा हुआ, अलीगढ़ की जो घटना का जिक्र किया वो भी दलित समाज के साथ हुआ, आपने अरुण वाल्मीकि की जो है कस्टोडियल डेथ हुई, हिरासत में उसको मार दिया गया, पुलिस वालों ने मार दिया, ऐसे तमाम मामले हैं। आप पूरब से लेकर पश्चिम से, उत्तर लेकर दक्षिण तक जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको मिलेंगे किस तरीके से पुलिसिया जुल्म की वजह से लोग मारे गए और झेलते रहे और आपराधिक मामले उनके साथ घटते रहे। तो इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहीं पे नहीं है, अपराध का बोलबाला है। अभी आप लखनऊ राजधानी की बात कर लें, इसी एलडीए की ऑफिस में, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिस में किस तरीके से गोलियां चली थी टेंडर को लेकर, किसी से नहीं छिपाए। तो कुल मिलाकर इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना सब कुछ महिमा मंडन करने के बाद आपकी नाक के नीचे अपराध हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। ठीक है, गजेंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए, दयाराम भाई को लेता हूँ। देखिए, अभी तक अपराध और दंगा जी, ये दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। बात यहाँ हुई है कि यहाँ पर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जी, तो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश पर कोई अभी तक ये नहीं आंकड़ा दिया कि फला फला जिले में दंगा हुआ। इस आंकड़े की आवश्यकता है और ये जितने लोग बैठे हैं आंकड़ा विहीन है, आंकड़े विहीन लोग आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे राज्य में इस वर्ष में कहीं भी दंगा नहीं हुआ, निश्चित तौर से दंगा नहीं हुआ जी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अपराध की जहां तक बात है, देखिए, समाज जब तक शैक्षिक नहीं होगा अपराध रुकने वाला नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को उच्चतम दर्जा पर ले आए, उसके बाद अपराध निश्चित तौर से रुकेगा और समाज इससे लाभान्वित भी होगा। ठीक है, और जहां तक बात है, देखिए, सरकारें रिपीट निश्चित तौर से, अगर हमारी आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से क्यों गई, अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से क्यों हटा जिसका एक ही नारा था कि काम बोलता है और धरातल पे काम दिखता भी था, लेकिन गुंडों ने सरकार को हटवा दिया। तो जब सरकार में शांति रहेगी तो सरकार लौटेगी। कोई भी यह नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, वो हर कोई चाहता है बच्चा स्कूल जाए तो शाम को आराम से घर चला आए, हम ऑफिस जाएं तो शाम को अपने घर चले आए। अगर आपकी सरकार दिल्ली में लौटती है अपने काम पे बल पे लौटती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने काम पे बल पे लौटती है, अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल की सरकार जब लौटती है वो अपने काम पे बल पे। इमरान भाई को क्या दिक्कत है, कह रहे हैं कि सरकार के जो आंकड़े हैं ऐसा है जी। अभी बात चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर हैं महोदय बैठे हैं, इनको इस बात को भी समझना चाहिए कि यह विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्पष्ट रूप से आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है,
लेकिन एक बात जरूर है, थाने में आज भी 100% कंप्लेन में से मुश्किल से 70-80% पर ही FIR दर्ज होता है, 30-40% FIR दर्ज नहीं होते। यह भी एक सच्चाई है धरातल की, और इस पर सरकार को कार्य करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जी ठीक है भाई, दयाराम भाई अपनी बात पूरी करें, मैं दीक्षित जी की बात सुनता हूँ। देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी और विभिन्नता के, मैंने कहा ना बीजेपी सरकार की कमियां है, हमने कम मना किया, बार बार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा पिछली सरकारों में किस तरह की धांधलियां हुआ करती थी, उगाहियां किस तरह चला करती थी, और मजे की बात माफियाओं के किस तरह लोग कब्जा किया करते थे, जमीनें कब्जा कराना, दुकानें कब्जा कराना, ये इस तरह का माहौल बना हुआ था। हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सब ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि कानून व्यवस्था ठीक है, मैंने कहा जो उगाही था दंगा था कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी आई है। अच्छा, लेकिन काम करने की जो बात है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की मौजूदा भाजपा की, जो सरकार चलाता है वो कुछ ना कुछ काम करता है। कल भैया गाल बजा करके सरकार नहीं चलाई जाती जी। अगर सपा ने चार बार सरकारें बनाई, काम कुछ किया होगा, बसपा ने चलाई चार बार काम किया होगा, भाजपा काम कर रही तो काम तो कर ही रही है ना जी। लेकिन आंकड़ों के पे अगर हम फेर में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और सबसे मजे की बात कई राज्यों से सटा हुआ इसका एरिया है, क्राइम कम नहीं होता। आज भी ये सही है कि थानों में जो चाहिए वो चीज योगी जी नहीं, योगी तो चाहते हैं, महाराज जी खूब बढ़िया चाहते हैं कि शांति व्यवस्था हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस अफसरशाही जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करके जनता को वो चीज नहीं मिल पा रही है जो योगी महाराज कह रहे हैं। जनता को चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा है, कागजों में दर्ज हो रहा है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है, इस पे काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दूसरी बात बार बार मैं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश भी बिछड़ी है, शिक्षा के मामले में बिछड़ी है, मैंने बार बार इस चीज को उठा रहा हूँ कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार ये तीन ऐसी मूलभूत सुविधा है उत्तर प्रदेश में, इसपे काम करने की जरूरत है। और हम बार बार अगर हम पीछे के जाएंगे कि तुम्हारी सरकार में मेरी सरकार में, मैं कहता हूँ कि ये कह रहे गृह मंत्रालय का इनके अंडर में आता है, तो आपके समय में चार बार सरकार थी, गृह मंत्रालय किसके अंडर में था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से आपका मेल जोल था, तो इसका मतलब आप जैसे चाहते थे वैसे बनता था। ये केंद्र की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं हो रही है। जो सरकार होती है वो काम करती है, लेकिन काम के साथ में कमियां विपक्ष भारत सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास की बात नहीं हो रही है। काम भाई क्यों कह रहे हैं कि आपको सम्मान नहीं मिला, सिर्फ नाराज है आप लोग। देखिए सम्मान की बात क्या है, ये तो समाजवादी पार्टी के खून में है। अच्छा, किसी के साथ चुनाव में जाती है, चुनाव बाद अलग हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे हम हो, ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं गौरव भाई, पहले पता नहीं पाए थे क्या, 2017 का चुनाव लड़ती है जी, इतनी सीटें थी, ठीक है, इसको देख लीजिए 2022 में क्या मिला इनको, ठीक है, और 2022 में अगर आप पूर्वांचल में प्लस आते हैं तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी की ताकत है, संगठन की ताकत है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ताकत है। मीसा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 जिलों में जो खाता नहीं खुला जी। मीसा भाई आवाज आ रही है आपको मेरी, पहचान नहीं, दयाराम भाई पहचान नहीं पाए, पहले सरकार को पहचान नहीं पाए, अखिलेश जी को पहचान नहीं पाए, कह रहे हैं कि इनकी आदत यही है। ऐसा है ने अब खूब पहचान लिया है जी। और रही बात ये कि ये जो 5 साल के लिए आए हैं, इसमें इनको इसलिए लाया गया है कि जो अब की इनकी विदाई होगी, हाँ। तो 500 साल तलक अभी तो उत्तर प्रदेश में आने वाले थे। अच्छा। क्योंकि जितने भी वादे थे इन्होंने जो कुछ भी डबल इंजन सब कुछ ठोक दिया है, हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा लगता है कि जनता ने इनका जो भी नारा था और जो भी इनकी कथनी करनी थी उसमें सब कुछ देख लिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महंगाई, GST बताइए, शिव जी के भक्त हैं, दूध पर GST लगा देते हैं और नारा सबसे बड़ा देते हैं कि भक्त ये सबसे बड़े हैं, दूध दही के ऊपर GST लगाए दे रहे हैं, यहाँ तक के रोटी पे GST लगाए दे रहे हैं, हर आदमी के कारोबार पे, जब कारोबार है नहीं, GST लगती चली जा रही है, सिर्फ पेट भर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, रोजगार जो है वो
कहीं है नहीं, नौजवान तरस रहा है रोजी रोटी के लिए, त्राही माम मची हुई है, अपराध आप ये बात करिए तो आदमी यही कहता है की आप धरना प्रदर्शन कब करेंगे, कब आप सड़कों पर उतरेंगे? देखिए हम तो ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना धरना प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन हम नहीं करते, धरना प्रदर्शन हम जनता के लिए आवाज उठाने के लिए सड़क पर आते हैं, और ये इनका यही अहंकार जनता के कार्यों के लिए, जनता की आजादी के लिए आवाज उठाने का ये माखौल उड़ा रहे हैं, तो ये भूल गए कि इनकी जो नेता थी वो सुरेंद्र सर सूरज से पहला करती थी जब क्षेत्र पर सुरेंद्र था, आज हजार के बाद भी जो है वो क्या कहते हैं कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं इनके नेता, और 600 रुपए में सुरेंद्र सर पे रख के घुमा करते थे गौरव जी, है ना, और जिस तरह से जो महंगाई का आलम है इस तरह से बढ़ चुका है कि मैं आपको किन किन बातों को गिनाऊं साहब, अब तो एक कोई दो बात हो तो उसको किया जा सकता है, अब तो मुझे लगता है तैयार करके मुझे लगता है कुरियर करना पड़ जाएगा, मैं पैक करके ये नंबर भेज देता कि आराम से पढ़े पढ़कर समझे, ठीक है ठीक है, बारी 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 समय कम है, समय कम है, समय कम है, मैं इनसे आपके माध्यम से आपकी मीडिया के जरिए मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ वैसी स्कीमें लेकर के आइए कि गरीब आपका अभिवादन करे, गरीब आपके लिए जो है वो हर्षोल्लास के साथ बजाए, और गरीब आपको 100 में 100 दे तो हम कभी प्रदर्शन नहीं करें, ठीक है? देशबंधु भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमान कॉल लेता हूँ। देशबंधु भाई देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं वो ये नहीं समझते कि मैं पुरानी बातों को ये बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, उनके कार्यकाल में थाने कौन सी जाति वर्ग विशेष के लोग चलाते थे, दंगा जमीन पे एक्सटॉर्शन भू माफिया गिरी लूटपाट गिरी, सरकार लोग भूल गए, जनता जनार्दन अब उस चीजों से ऊब गई है, आपको बता दें जनता जनार्दन सब समझती है कि क्या किसके नियत में कितनी खोट है और कौन उत्तर प्रदेश प्रकार के लिए सुनियोजित है, और आपके चैनल पर केवल गौरव भाई एक ही बात से कहना चाहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता जनार्दन बहुत समझदार है, और उत्तर प्रदेश के जनता की जोर उसी शासन को दी जाएगी, समय कम है, जो अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाएगा, ठीक है? उसको सब मालूम है कि किसका चाल चरित्र चेहरा कौन है, ठीक है? हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो हैं, कोई ऐसा असफल प्रयोग बता दीजिए जो न कर चुके हो, और चुनाव होने से पहले इनकी बात कुछ और रहती है, चुनाव परिणाम होने के बाद कुछ और होती है, चाहे दो राजकुमारों का साथ हो, चाहे बुआ बगुआ का साथ हो, चाहे जल्दीबाज करिए ऋषि भाई, प्रकाश जी का हो, अनेकों बार ठीक है हम भी विपक्ष में रहे लेकिन एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है, ठीक है? अगर इनको किसी बात पे आपत्ति है, संसद पटल है, संसद है, सड़क है, कहीं भी अपने मार्ग में रहे, ठीक है? अभी सुभाष पाद के मित्र ने कहा आप धरना करिए, आप प्रदर्शन करिए, आप आंदोलन करिए, आप ज्ञापन दीजिए, आपके पास अनेकों तरीके हैं, लेकिन केवल चैनल पे आकर झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ परोस कर अव्यर्थ का आरोप लगाकर यह कोई रचनात्मक विपक्ष वरना परिणाम जैसे आपको दुखद है वैसे आप हताशा अनर्गल प्रलाप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है? देखिए गौरव भाई अभी चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैं जल्दी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है कि इनकी पार्टी की पार्षद जो है बच्चा चोरी का करने का काम करती है, इनका मेघालय का उपाध्यक्ष जो है वो अपने घर में वैश्यालय चलाने का काम करता है, इनका बीजेपी आईटी सेल का एक ध्रुव सक्सेना जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, इनके नेता गुजरात में जहरीली शराब का कारोबार करते हैं। अरे दीक्षित जी सुन तो लीजिए पूरी बात, इतना ही कहना चाहूंगा 2024 के चुनाव परिणाम आने दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ 2024 में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इस बार मुकाबला नहीं है, खुशफहमी में मत रहिए, इस बार कांग्रेस और सपा से मुकाबला नहीं,
नहीं है, आम आदमी पार्टी है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है आपसे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए अभी तक। आप सपा को टारगेट करते रहे, कांग्रेस में चीखते रहे, आम आदमी पार्टी से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाए आप पूरी डिबेट के अंदर। एक घंटे की डिबेट खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी से बात नहीं कर पाए आप। इस बार ध्यान रखिएगा, 24 में आम आदमी पार्टी से मुकाबला है। आप बच्चा चोर लोग हो, आप दंगाई लोग हो, आप बलात्कारी लोग हो, कुलदीप सुलसेकर को पालने वाले लोग हो, चिन्मय आनंद को पैदा करने वाले लोग हो, बलात्कारियों के सम्मान में यात्राएं निकालने वाले लोग हो, बलात्कारियों को फूलमाला पहनाने वाले लोग हो, बच्चा चोरी करने वाले लोग हो। इस बार ध्यान रखना, बच्चा चोरों का मुकाबला स्कूल अस्पताल इसलिए उत्तर प्रदेश की जनमानस भी जानती है और ये विपक्ष और वर्तमान के सरकार के प्रवक्ता भी जानते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर ये लोग कभी आपको जगह देंगे ही नहीं। जगह कैसे बनानी है ये डिजाइन आपको ही करना पड़ेगा, और जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जन जन तक जा चुकी है, ठीक है, और उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगा दिया है। आगे रिजल्ट जहां तक बात है, ठीक है, 24 की अगर यही हालात रहे तो फिर वही योगी और मोदी, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व की बात अगली कभी चर्चा में कर ली जाएगी। फिलहाल जो मुद्दा था, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मुद्दा अहम था और मुद्दा यहाँ पर था एनसीआरबी की रिपोर्ट, और एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक बात तो साफ आई है कि कहीं ना कहीं अपराध में कमी हुई है, और यूपी में जो बताया गया 21 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, 19 में कुछ नहीं हुआ, 20 में कुछ नहीं हुआ, और 22 भी सितंबर आने वाला है, अब तक 22 में भी कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो 11% महिला अपराध में कमी, इसके अलावा जो बाल अपराध में कमी, साइबर अपराध में 22% की कमी। पर हमारा मानना यह है कि जिस तरह के अपराध में कमी आनी चाहिए उसमें वो स्थिति संतोषजनक अभी भी नहीं है, क्योंकि स्थिति तब संतोषजनक होगी जब सभी मामले दर्ज किए जाएंगे और सभी मामलों में महिलाओं और बाल लोगों बच्चों को एक न्याय मिलता नजर आएगा। कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अपराध के आंकड़े कम नहीं होंगे और एक तथ्यात्मक आंकड़े सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि आंकड़ों का दर्ज होना ही बहुत जरूरी होता है। जब तक FIR एक निष्पक्ष व्यवस्था से दर्ज नहीं होगी तब तक आंकड़े भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे कि गिरावट कितनी महसूस की जा रही है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में उत्तम प्रदेश बने, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो अपराध हैं उसको लगातार कम करना पड़ेगा। जो कि सरकार की कार्रवाई प्रशंसनीय है पर अभी कार्रवाई का स्तर और ऊँचा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध बिल्डिंगें गिराने तक, बुलडोजर चलाने तक और संपत्ति कुर्क करने तक और माफिया को जेल भेजने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें महिला अपराधों के प्रति, बाल अपराधों के प्रति कमी आए, और ये कमी NCRB नहीं बल्कि जनता को देखने मिले, तभी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना है वो साकार हो सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।